दिन की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से राजस्थानी ब्रेकफास्ट के साथ एट जगदीश मिष्ठान भंडार। हमें जैम भी सूरज बोल पे, ये हमने एक प्याज कचौड़ी लिया है, एक दाल कचौड़ी लिया है, एक समोसा लिया है, इसके बाद भी कुछ कुछ ट्राई करेंगे। लेट्स सी कितनी बड़ी कचौड़ी है। ये है मावा कचौड़ी, बेसिकली मीठी कचौड़ी होती है। ये मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मिलती है मीठी कचौड़ी, और कहीं नहीं मिलती है। नॉर्मली कचौड़ी जितनी भी खाई जितनी भी शहर मिलती है वो सब नमकीन होती है, ये मीठी कचौड़ी है। इसके अंदर देख रहे आप कुछ कुछ मिल रहा है, इसके अंदर देख पा रहे हो तो लश्कारे से लग रहे हैं। इसके अंदर ये पूरा चाशनी और पूरा खोया होता है इसके अंदर। चलो ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग है जी, नए दिन की शुरुआत। आज हम हैं उदयपुर में, और उदयपुर में हमने सबसे पहले आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का ट्राई किया, तो हम अभी पहुंच चुके हैं सहेलियों की बाड़ी में। तो यहाँ पे हैं कुछ 5-6 स्पॉट्स हैं देखने के लायक, तो ट्राई करेंगे, थोड़ा देखते हैं एक बार कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम सकते हैं। है जी सहेलियों की बाड़ी। बेसिकली एक राजा ने जितने भी रानियां थी उनके खेलने कूदने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए एक जगह बनाई थी, जिसको सहेलियों की बाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद, मतलब सहेलियों की बाड़ी से निकलने के बाद, अब हम आ गए हैं लेक पे। अरे इस लेक का नाम क्या है यार, क्या नाम है इसका? फतेह सागर लेक। अभी हम आ गए फतेह सागर लेक पे, और आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं क्योंकि बहुत सूरज एकदम तेज पड़ रहा है आँखों पे। दिस इज फतेह सागर लेक, एक बीच में वहाँ पे पैलेस सा बना हुआ है। यहाँ पे एक अंडरवाटर म्यूजियम भी है, एक बार वो भी देखने की ट्राई करें, वहाँ भी चलते हैं एक बार कैसा है। तो ये ओवरऑल बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी लेक है, बहुत बढ़िया व्यू है। सो ये एक्वेरियम है यहाँ पे फतेह सागर लेक पे, अंडरग्राउंड है। लेट्स सी, अंडर द सन के नाम से है ये एक्वेरियम, लेट्स सी कैसा है। सो एक्वेरियम इज वेरी नाइस। सो दिस इज़ ए रेस्टोरेंट, जहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, नीचे फ्लोर है, ग्राउंड ऊपर फ्लोर है, उसमें उन्होंने क्या करा है, बीच में एक मोटी सी लेयर बना रखी है पानी की, और उस पानी के अंदर इन्होंने बहुत सारी मछलियाँ छोड़ रखी हैं। देखो जैसे ये चल रही है, देख रहे हो नीचे लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियम देखने के बाद हम निकले बोटिंग करने के लिए, जो कि फतेह सागर लेक पे ही होती है। दो टाइप की बोटिंग है, एक है नॉर्मल बोट जिसके चार्जेस हैं 89 रुपीज़ पर पर्सन, और दूसरी है स्पीड बोट जिसके चार्जेस हैं 236 रुपीज़ पर पर्सन। तो बहुत डिफरेंस है चार्जेस में, बट एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस भी उतना ही डिफरेंट है। स्पीड बोट में आपके पास कम मेंबर होते हैं, जबकि मोटर बोट जो नॉर्मल बोट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो सेकंडली स्पीड का तो एक्साइटमेंट अलग ही है। फिर तो अभी हम जो वहाँ स्पीड बोट करके आए लेक पे, बहुत ही फैंटास्टिक थी, बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी वो। अब वहाँ से बोटिंग करने के बाद हम जा रहे हैं जग मंदिर। हमने अभी अभी टिकट ली है जग मंदिर की। वहाँ से बेसिकली एक तो सनसेट अच्छा दिखता है, सनसेट तो वैसे आपको अब लेक से भी दिख जाएगा, पिचोरा लेक से भी, बट यस बियॉन्ड दैट यहाँ से जग मंदिर अपने आप में देखने की जगह बहुत अच्छी है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ से जाके सुना है कि यहाँ पर जो सनसेट है उसके चक्कर में जो लेक है वो पूरी ऑलमोस्ट लाल हो जाती है।
बिकॉज ऑफ सनसेट कलर्स। एक बार देखते हैं क्या होता है, आगे चलते बताते हैं। ओके जी, तो अभी हुआ क्या, अभी हम जगमंदिर के लिए लाइन में लग गए, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो दो तीन चीज़ें इन्फॉर्मेशन के लिए थी यहाँ पे। फर्स्ट इज़ कि ये जो टिकट है यहाँ पे, ये है जग मंदिर की टिकट है, 830 रुपीज़ पर पर्सन पर अडल्ट, आई मीन या पर अडल्ट 830 रुपीज़। और तो बेसिकली क्या, इसमें बोट से आपको जग मंदिर तक लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे, जग मंदिर घूमने के जो चार्जेस हैं वो है, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चा है, बच्चे के 440 रुपीज़ हैं, टिल 5 ईयर इट्स फ्री, एंड फ्रॉम 6 to 12 इट इज़ 440 रुपीज़। तो ये है। और उसके अलावा बियॉन्ड दैट अगर बात करें तो यहाँ पे आप गाड़ी की पार्किंग यहाँ तक लेके आ सकते हैं, हमें पता नहीं, तो हम गाड़ी कहीं बाहर खड़ी करके आए। यू कैन सी यहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग अवेलेबल है, 350 रुपीज़ गाड़ी की पार्किंग है के चार्जेस हैं यहाँ पे। तो वी सजेस्ट कि आप यहाँ तक गाड़ी लेके आओ, आराम से गाड़ी खड़ी करो और उसके बाद अपना आराम से आके कंटिन्यू कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर क्या बोलते हैं, खाने पीने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको पानी की बोतल लेके आनी, कुछ लेके आना है, तो अपने साथ लेके चलो। अदरवाइज़ बोट पे खाना पीना ले जाने की चीज़ अलाउड नहीं है कुछ भी, पर बोतल आई थिंक दे शुड अलाउ, बोतल पानी की बोतल दे शुड नॉट बी चले। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आगे वहाँ चल के देखते हैं जग मंदिर में क्या है, वहीं से सनसेट देखेंगे, वहीं से सब इन्जॉय करेंगे। तो अभी हम होके आए जग मंदिर, जो आपने फोटोज़ वगैरह देखी। अब उसमें ये तो ठंड बहुत है, वहाँ पे शाम को जाओ तो अगर आप तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। मैं ऐसे निकल लिया था और फिर से मेरे को लगा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, एक तो ये है। दूसरी चीज़, फ़ोटोज़ खींचने के दुनिया भर के ऑप्शन अवेलेबल है, दुनिया भर के। सो इफ़ यू आर अ फोटो लवर, सो इट मस्ट बी द प्लेस फॉर यू। 850 रुपये की टिकट है, बट ये थोड़ी सी कॉस्टली है, बट इट मस्ट बी द प्लेस, घूमना चाहिए। वी आर गोइंग बैक टू होटल, तो वहाँ थोड़ा सा एक बार रेस्ट करके देखेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से आज भी थोड़ा कवर कर नहीं पाएंगे, तभी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो जाके रेस्ट करते हैं रूम पर और व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, ताकि आराम से जाकर रेस्ट कर पाएँ, शांति से बैठें। चलो जी, गुड बाय, गुड नाइट, हैव ए सेफ जर्नी।